उसे पहन के मंदिर में आ जाना। शादी का जोड़ा, तुम ठीक तो हो ना? Have you lost it, Mayank? हाँ कुंचन, हम दोनों शादी कर रहे हैं ना, इसलिए कुंचन प्लीज एक घंटे में मंदिर जरूर आ जाना इसे पहन के। और अगर तुम नहीं आई ना तो आज मैं गंगोत्री ब्रिज से कूद के अपनी जान जरूर दे दूंगा। इट विल बी ऑल ओवर। तुम्हारे पास एक घंटा है कुंचन, और मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम्हारे साथ जीऊंगा या मैं जीना ही छोड़ दूंगा। अब तुम्हारा फैसला मेरा रास्ता डिसाइड करेगा। गुड बाय। मायक रुको मायक, ये सब बचपना छोड़ो, ये क्या पागलपन है? देखो पीता वक्त वापस नहीं आ सकता, ये तुम भी जानते हो। घर चलते हैं, आराम से बैठ के बात करेंगे। कुंजन ये टाइम बात करने का नहीं है, फैसला लेने का है। चार बज गए हैं कुंजन, तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है डिसाइड करने के लिए कि तुम मेरी जिंदगी के साथ क्या करना चाहती हो। या तो मंदिर में आके मुझसे शादी कर लो, नहीं तो अपनी आंखों के सामने मुझे मरता हुआ देखो। क्या बात है सीमा, तुम रो क्यों रही हो? आप तो ऐसे पूछ रही हैं दीदी जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। बताओ तो सही, क्या हुआ है? दीदी हमारे मयंक के साथ ये क्या हो रहा है? इकलौता बच्चा है हमारा, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बच्चे को। हमसे क्या भूल हो गई कि ये सब हो रहा है? हमने तो सिर्फ अपने बच्चे की खुशियां चाही थी और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं, ज्यादा भोली मत बनो सीमा, इस आफत की शुरुआत तुम ही ने की थी, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। ताकि तुम्हारी पसंद की बहू इस घर में आए और तुम्हें मयंक की जिंदगी की उसकी खुशी की जरा भी परवाह होती ना तो वो सब ड्रामा नहीं करवाती तुम। अब रोती रहो बैठकर। हमसे हो गई है गलती, लेकिन क्या करें आप ही बताइए, इसकी शादी तोड़ तो नहीं सकते ना। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे का संसार बस जाए, उसे खुशियां मिले। हम मानते हैं कि हमसे भूल हो गई है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मयंक हमें यह सिला दे। हमसे बात नहीं करता है, खाना नहीं खाता, चुप चुप रहता है। हमारा बच्चा हम ही से पराया हो गया है। दीदी हम आपसे भीख मांगते हैं, आप ही हैं जो हमें संकट से पार लगा सकते। दीदी मयंक सिर्फ आप ही की बात सुनता है ना, उससे बात कीजिए ना, समझाइए उसे, हमसे मयंक की हालत नहीं देखी जाती। दीदी आप गुंजन से भी बात कीजिए, उसे कहिए कि दूर रहे उसे, अब तो छोड़ दे हमारे बच्चे को वो। ये तुम भाभी से क्या कह रही हो, वो गुंजन को क्या समझाएंगी? और उस बिचारी बच्ची का इस सबसे क्या लेना देना? ये सारा पागलपन मयंक का है, अगर समझाना बुझाना है ना तो उसी को है। अरे तो समझाइए ना उसे, कब समझाएंगे जब बहुत देर हो जाएगी। जवान बच्चा है, कहीं कुछ कर लिया उसने तो, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे।
दीदी हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, अरे हमारे मयंक को कुछ हो गया तो। नहीं सीमा, ऐसे ख्याल भी अपने मन में मत आने दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मयंक वापस आएगा ना, हम उससे जरूर बात करेंगे। चुप हो जाओ, अपने आप को संभालो सीमा, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। एक घंटे में मंदिर जरूर आ जाना इसे पहन के, और अगर तुम नहीं आई ना तो आज मैं गंगोत्री ब्रिज से कूद के अपनी जान जरूर दे दूंगा। Are you okay, Gunjan? Gunjan? हाँ। Any problem? नहीं तो। तो फिर सोच क्या रही हो? सब मुझे मयंक की चिंता हो रही है, कहीं वो कुछ कर ना ले। वो मुझसे कह के गया है कि अगर मैं एक घंटे में उससे नहीं मिली ना तो वो अपनी जान दे देगा। क्या? जान दे देगा? No, he can't do that. सही कैन, वो कर सकता है सब। मैंने उसकी आंखों में वो आग देखी है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, कह के गया अगर मैं मंदिर में नहीं आई तो वो। Come on, Gunjan. सिर्फ कहने और डराने वाली बातें होती हैं और कुछ भी नहीं। It's pure blackmail, that's it, nothing else. तुम प्रैक्टिस पे ध्यान दो, focus on your practice, that's it. चलो आओ। रचना, अगर गुंजन की प्रैक्टिस का यही हाल रहा ना तो ये फर्स्ट लेवल भी क्लियर नहीं कर पाएगी। पता नहीं राजीव सर क्यों इस पर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। स्टार्ट। वन। नहीं गुंजन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। I know, Gunjan, I know you love me. तो क्या तुम मेरी जान बचाने नहीं आओगी? अगर तुमने देर कर दी ना तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। प्लीज कम गुंजन, आओ ना गुंजन, प्लीज। सर, मुझे जाना है सर। कम ऑन गुंजन। प्लीज सर, मुझे जाना ही होगा, प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ रचना, चलो घर चलो। गुंजन, घर? लेकिन अभी क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, इसलिए। बस चलो। नहीं गुंजन, हमें अभी प्रैक्टिस करनी है। गुंजन रुको ना, प्रैक्टिस खत्म होने में एक ही घंटा बाकी है। एक घंटा रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे जाना ही होगा। फैसला हो जाएगा गुंजन, और मेरा इस दोहरी जिंदगी से छुटकारा भी। यहां आकर मेरी हो जाओ गुंजन, नहीं तो मैं तुम्हें और इस दुनिया को सबको छोड़ के चला जाऊंगा, सबको।
प्लीज प्लीज कुछ मत करना, तुम्हें मेरी कसम, मैं बस आ ही रही हूं। जी गुंजन दीदी, तुम्हारे बहन भैया कहाँ है? हमें नहीं पता गुंजन दीदी, हम तो अभी आए स्कूल से। और आपको पता है गुंजन दीदी, हमें स्कूल से क्या मिला? बाद में डोलू, बाद में। मयंक, 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 गुंजन, तुम्हारी शादी हो गई है, हम कभी एक नहीं हो सकते। जैसे लाखों प्रेमी चाहकर भी एक नहीं हो पाते। मैं हमारी लव स्टोरी है लेकिन उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है। जो भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। हमारे कमरे में क्यों आई हो? अब चारू, मैं वो मयंक को ढूंढ रही थी। अच्छा, तो हमारे पति को आप ढूंढ रही थी? चारू तुम गलत समझ रही हो। देखो, तुम देखो, रुको, हम अभी सबको बताते। आज हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। आओ वर्षा, हम तुम्हारी खबर लेते सबके सामने। चलो यहाँ से। चारू सुनो तो सही। ताऊजी, सासुमा, चाची, आइए देखिए। वाह, देखिए ये लड़की क्या गोल खिला रही है। चक्की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब पूछे इस लड़की से हमारे कमरे में क्या कर रही थी। ये है मयंक जी की दिल की धड़कन, रातों की नींद, दिन का चैन। कल तो तुम बहुत बोल रही थी कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ गई हो, मयंक जी को बहुत ज्ञान दे रही थी। चलो मैं मूव ऑन इन लाइफ। अब क्या हुआ, अपने प्रेमी से मिलने फिर से कमरे में चली आई? बोलो गुंजन। एक मिनट गुंजन, ये क्या कह रही है? तुम क्यों गए थे मयंक के कमरे में? मौसी जी, वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप मुझे ये बताइए कि मयंक कहाँ है, घर पे है या नहीं? जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो फिर क्या है गुंजन? मौसी जी, मुझे मुझे मयंक को रोकना है। क्यों, वो ऐसा क्या करने जा रहा है? मौसी जी, मैं वो, मौसी जी, महक ने मुझसे कहा है कि वो गंगोत्री ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देगा अगर मैंने उसे हाँ नहीं कहा तो।
मयंक नहीं 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 रुक जाना प्लीज डोंट। जल्दी चलाओ, हम अपनी जान दे देंगे अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। सुमा कुछ नहीं होगा। अरे हमारा बच्चा ही हमारे लिए सब कुछ है, आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। अरे भाभी हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा मयंक को। भैया समझाइए। आप गोपाल यहाँ से ले लो। क्यों रो रही है? हमें तो लग रहा है कि इसमें मयंक और कुंजन का कोई ड्रामा है। चुप करो तुम, क्या ड्रामा ड्रामा लगा रखा तुमने? हो अरे तुम क्या समझोगी उसे? हमारा बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। एक माँ का दिल ही अपने बच्चे को जान सकता है बस। मयंक हमारा बच्चा। चुप भी रहो तुम, कुछ नहीं होगा। तुम आ गई कुंचन। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। कम ऑन कुंचन, चलो घर चलो। सुन कुंचन, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं इस ब्रिज से कूद के अपनी जान दे दूंगा। अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा ना तो मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। नहीं मयंक, हमारी बात सुनो। मयंक बेटा, हम सबके बारे में सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? घर वापस चलो बेटा। मयंक बेटा हमारी बात सुनो। मयंक देखो मयंक, प्लीज मयंक घर चलो, सब तुम्हें घर लेने आए। एक सेकंड पूछो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने क्या फैसला किया? तुम मेरी बनोगी कि नहीं? बोलो कुंजन, कम ऑन गुंजन, बोलो ना, तुम मेरी बनोगे कि नहीं? गुंजन लिसन, लिसन, बोलो ना गुंजन, विल यू मैरी मी? कम ऑन गुंजन, जस्ट से, बोलो तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं? बोलो ना। ये सब बकवास बंद करो मयंक, प्लीज उस सब की जिद मत करो जो नहीं हो सकता है। प्लीज गुंजन, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, बोलो गुंजन, हाँ या ना? बोलो गुंजन, गुंजन मुझे जवाब चाहिए। गुंजन हाँ बोलो बेटा, गुंजन हाँ बोलो, प्लीज एक सेकंड, मुझे जवाब दो, बोलो तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? कम ऑन गुंजन, जस्ट से यस और नो। छोड़ो गुंजन, प्लीज जस्ट से यस और नो, मुझे जवाब चाहिए गुंजन।
मैं, ये सरासर पागलपन है। प्लीज घर चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। चलो मैं। नहीं गुंजन, कम ऑन गुंजन, जस्ट आंसर। Nisa za 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 re.